हेलो फ्रेंड्स, फूड एंड क्राफ्ट विद मीनू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे चैनल पे बहुत अच्छे अच्छे रेसिपी है और क्राफ्ट के भी वीडियो बहुत सारे हैं, तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिए कि हमारा चैनल आपको कैसे लगते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमने पिज्जा पाव बनाया है जो कि बहुत ही टेस्टी और काफी अच्छी बनी है, तो इसकी पूरी वीडियो आप फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे देख सकते हैं। फूड एंड क्राफ्ट विथ मीनू चैनल पे बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस हैं फ्रेंड, एक बार जरूर विजिट कीजिए। और जो लोग नए हैं, प्लीज प्लीज फ्रेंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आज मैं बहुत ही स्पेशल और काफी टेस्टी सी रेसिपी लेकर के आई हूँ, तो ये है पाव। इसका हम पिज्जा बनाएंगे, पाव पिज्जा बनाएंगे। तो ये पाव को हमने लेकर के और इसको क्या किया है हमने कि इससे इस तरह से बीच से दो पोर्शन में काट ली हूँ, आधा आधा पाव को मैंने कट कर लिया है। तो पाव को साइड में रखेंगे और ये सब प्रोसेसिंग करने से पहले यहाँ पे हम इस तरह का एक तैयार करके रखूंगी जिसमें कि मैं पाव पिज्जा को बेक करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। यहाँ पे हम कुछ सब्जियां ली हूँ जो कि आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग लीजिए, कम ज्यादा भी आप कर सकते हैं। जो सब्जी आपके पास नहीं है तो उसे भी आप स्किप कर दीजिए। तो यहाँ पे हमने शिमला मिर्च लिया है, शिमला मिर्च को इस तरह से एकदम छोटे टुकड़ों में काट ली हूँ। और ये है टमाटर, टमाटर का हमने क्या किया है, बीज का जो बीज थे उसको मैंने साइड कर दी और जो बाहर का गुदा था उसको मैंने इस तरह से काट ली हूँ छोटे टुकड़ों में। ये गाजर, गाजर को भी हम एकदम ही छोटे टुकड़ों में, यहाँ पे जो भी आप सब्जियां यूज करें एकदम ही छोटे टुकड़ों में ही काट करके यूज करें। एक प्याज को भी हमने इस तरह से एकदम बारीक काट ली हूँ टेस्ट के अकॉर्डिंग। हरी मिर्च ले लीजिए। तो इन सब को मैं एक बाउल में शिफ्ट करूंगी। ये पाव पिज्जा बहुत अच्छा और काफी टेस्टी बनने वाला है, एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसकी पूरी रेसिपी आप मेरे वीडियो पे आप पूरी तरह से फॉलो कीजिए और फिर बनाकर देखिए, मजा आ जाएगा फ्रेंड जब इस तरह से आप ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। इससे पहले भी हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है पिज्जा का, तो आप देख सकते हैं कटोरी पिज्जा बनाया है, फिर और भी नॉर्मल पिज्जा, बहुत सारे हमने पिज्जा का रेसिपी अपलोड किया हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हमने स्वीट कॉर्न लिया है, स्वीट कॉर्न को हल्का सा स्टीम कर ली हूँ जिससे कि जब आप बनाओगे तो ये फूल कर क्रैकल करने लगता है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा पहले स्टीम कर लीजिए तो अच्छा लगेगा, अच्छा बनेगा भी। तो कॉर्न को डाल दी, सब्जियां यहाँ पे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो चाहिए उस हिसाब से लीजिए, मजा आ जाएगा जब आप बनाओगे इस तरह से। तो सब्जियों को हमने मिक्स कर लिया। अब बाकी इसमें कुछ स्पाइसेस वगैरह डालूंगी जिससे कि बहुत अच्छा लगेगा। ये लिया है हमने चिली फ्लेक्स, ये अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये है मिक्स हर्ब, ये मिक्स हर्ब आप कोई भी आप ले सकते हो। तो एक बड़े चम्मच इसमें मैं मिक्स हर्ब ऐड करूंगी, इससे बहुत अच्छा और काफी टेस्टी लगेगा ये। उसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे मेयोनीज, उससे पहले मैं इसमें नमक डाल दूंगी टेस्ट के अकॉर्डिंग जितनी सब्जियां हैं उस हिसाब से, और ये फटाफट करना होगा नहीं तो सब्जियां जो है वो थोड़ा सा पानी छोड़ने लगेगा। और ये ध्यान में रख के काम कीजिएगा क्योंकि मेयोनीज में ऑलरेडी थोड़ा सा नमक होता है। तो ये तो सारे मिक्स हो गए,
अब इसमें डालूंगी खूब सारा मेयोनीज। जिससे बहुत अच्छी और काफी टेस्टी बनेगी। मेयोनीज को मिक्स कर लूंगी सब्जियों के साथ। ये काफी अच्छा सा मिक्स हो गया। अब मैं इसे साइड में करूंगी। और यहाँ पे हमने चीज ली थी, चीज को कद्दूकस कर लिया है बहुत अच्छे से, बारीक सा कद्दूकस हो गया है। अब आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। ये जो हमने ब्रेड को कट करके रखा है, तो हमें जिसमें बेक करना है उसको पहले मैंने ऑलरेडी बटर से हल्का सा ग्रीस कर ली हूँ, ग्रीस करके साइड में रखी हूँ। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप स्टार्ट करते हैं, सारा कुछ तैयार करते हैं। तो इस समय ये हमने मेल्टेड बटर लिया है, बटर को हल्का सा हमने मेल्ट कर ली हूँ इस तरह से। ये बटर को इस पे आराम से इस तरह से स्प्रेड कर दूंगी हल्का सा। बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड, एक बार जरूर आप इसे ट्राई करके देखिएगा, मजा आ जाएगा। बटर डालने से इसमें सॉफ्टनेस बनी रहती है और बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस तरह से ट्राई करोगे। तो बटर तो हमने अप्लाई कर दिया वन साइड, इधर भी थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दूंगी। बटर अप्लाई करने के बाद इसे मैं साइड कर देती हूं। अब आगे का क्या करेंगे, ये हमने जो ग्रेट करके ली हूं इसको स्प्रेड करूंगी चीज को। बहुत बढ़िया लगता है फ्रेंड, एक बार जरूर आप ट्राई कीजिए हमारी पूरी वीडियो को देख करके। ये तो हो गया, यहाँ पे हमने चीज स्लाइस लिया हुआ है, इसे भी इस पे डाल के अच्छे से स्प्रेड कर देना है हमें। इस तरह से हमने सारे चीज को डाल दी हूँ। बहुत बढ़िया सा लगेगा जब आप इस तरह से ट्राई करोगे फ्रेंड। तो इस तरह से कवर कर दिया हमने एक लेयर। बहुत अच्छा लगेगा जब आप इस तरह। अब क्या करेंगे, ये जो हमने बना करके रेडी रखी हूँ इस पे पूरे पे अच्छे से अप्लाई कर दूंगी। अगर आपका ये बच भी जाता है ना स्टफिंग, तो इसे आप ब्रेड पे लगा के सैंडविच के तरह बना करके खाइए, मजा आ जाएगा। इस तरह से देखिए, हमने थोड़ा मोटा ही हमने लगाया है, आप अपने हिसाब से स्टफिंग लगाइए, मैं तो कुछ ज्यादा ही लगा रही हूं। तो पूरे पे हमने इस तरह से अप्लाई कर दिया, देखिए बहुत अच्छे से। अब मैं क्या करूंगी, ये जो चीज ग्रेट करके रखा है थोड़ा सा इस पे फैला दूंगी फिर से चीज को। जरूर एक बार आप भी ट्राई कीजिए हमारे पूरी इस रेसिपी को, मजा आने वाला है। इस पे भी ऊपर से चीज डाल दूंगी, ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहते तो डालिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारा चीज हो चुका है। तो अपने हिसाब से अगर लगता है तो डालिए, नहीं तो आप साइड कर दीजिए, बस काफी है। तो ये तो हमारा तैयार हो गया। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा मिक्स हर्ब जो है इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे।
ये मिक्स हर्ब पूरा हमने फैला दिया इस पे। ये ऑप्शनल है फ्रेंड, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा फिर से चिली फ्लेक्स इस पे अप्लाई करूंगी। अगर आप थोड़ा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो लगाइए, नहीं तो आप इसे साइड कर दीजिए। ये सारा कुछ हो गया, अब मैं क्या करूंगी, इसको कवर कर दूंगी। इस तरह से कवर करके हल्के हाथों थोड़ा सा दबा दूंगी और जो हमने इस ट्रे को प्लेट को तैयार किया है इस प्लेट में आराम से इसे उठाऊंगी और इस पे इस तरह से रख दूंगी। इसके बाद ये जो हमने बटर लिया है बटर को भी इस तरह से हल्का सा इस पे अप्लाई कर दूंगी जिससे कि अच्छा सा इस पे ग्लेज शाइनिंग आ जाएगी और टेस्ट भी काफी अच्छा हो जाएगा। मजा आने वाला है जब आप इस तरह से बनाओगे तो। ये काफी अच्छा सा रेडी हो गया। थोड़ा थोड़ा मैं साइड से भी बटर को लगा देती हूँ जिससे कि बढ़िया सा अब मैं इधर जो तैयार करके रखी हूँ ये भी अच्छा गर्म हो गया है तो इसमें सावधानी से ही आप रखिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत गर्म है। इस तरह से रख दी और इसे कम से कम लो टू मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूंगी, लेकिन बीच बीच में एक दो बार इसे जरूर चेक कर लेना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्लेम हाई होने के वजह से ये जल तो नहीं रहा है। अगर हाई फ्लेम अगर लग रहा है आपको तो फ्लेम थोड़ा कम कर दीजिए जिससे कि ये सारा जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो जाए। इसमें तो पकाना हमें कुछ भी ऐसा नहीं है, बस खाली चीज़ को हमें मेल्ट करना है। जितने देर में चीज़ मेल्ट होगा उतनी देर में हमारी सारी सब्जियां भी पक जाएगी और काफ़ी अच्छा सा टेस्ट हो जाएगा, बन करके रेडी हो जाएगा। तो इसे बीच बीच में आप ज़रूर चेक कर लीजिए। ये 10 मिनट हो चुका है, बीच में मैं एक दो बार चेक कर ली हूँ, काफी अच्छा सा बन करके रेडी हो गया फ्रेंड। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे मैं नीचे उतारने की कोशिश करूंगी क्योंकि बहुत ही गर्म है ये। इस तरह से पकड़ के नीचे उतार लिया हमने। बहुत बढ़िया सा रेडी हो गया है, एकदम ही तैयार हो गई। इसे कट करूंगी। वाह, बहुत ही बढ़िया सा एकदम ही रेडी हो गया है। देखिए इसे हम प्लेटिंग करेंगे। मज़ा आ जाएगा फ्रेंड जब आप इस तरह से बनाएंगे और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करेंगे तो मज़ा आएगा। पाव के साथ साथ ये आपका अच्छा सा पाव पिज्जा बन करके रेडी हो गया। देखने में लग रहा ना काफ़ी यमी और टेस्टी, इसे जरूर आप ट्राई कीजिए। बस इसके ऊपर मैं थोड़ा सा बटर इसको शाइनिंग देने के लिए बस इस तरह से, काफी अच्छा सा शाइनिंग भी आ जाएगा और काफी टेस्टी बन करके रेडी हो गया। मुझे तो देख के मुंह में पानी आ रहा फ्रेंड। इसे आप भी जरूर ट्राई कीजिए और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट जरूर जरूर दीजिए। कितना अच्छा लग रहा ना देखने में, मजा आ रहा ना, आप भी इसे जरूर ट्राई करें
और हमें भी अपना फीडबैक कमेंट जरूर दीजिए कि आपको ये पाव पिज्जा कैसा लगा। बहुत ही यमी और काफी टेस्टी, देखिए इसके अंदर का स्टफिंग भी मजा आ रहा ना देख के। तो इसे जरूर आप भी ट्राई कीजिए और हमें फीडबैक दीजिए। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।